रुख करते हैं। सांसद रंजिता कोहली को रोका गया गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। सांसद रंजिता कोहली की गुवाहाटी से थी दिल्ली की फ्लाइट। लगेज फ्लाइट में रखने के साथ ही सांसद को बोर्डिंग पास दिया था, लेकिन सांसद को फ्लाइट में जाने से रोका, कहा आपकी सीट किसी ने और ने खरीद ली है। सांसद को दिल्ली में लेना था किसी बैठक में भाग। गो फर्स्ट की फ्लाइट से दिल्ली के लिए आ रही थी सांसद। आपको बता दें ये खबर, जहां पर सांसद रंजिता कोहली को रोका गया गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, उन्हें रोका गया। सांसद रंजिता कोहली की गुवाहाटी से दिल्ली की फ्लाइट थी। लगेज फ्लाइट में रखने के साथ ही सांसद को बोर्डिंग पास भी दिया गया, लेकिन उसके बाद फ्लाइट में जाने से रोका और कहा कि आपकी सीट किसी और ने खरीद ली है। क्या कुछ रहा ये वीडियो देखिए। और हमारे साथ रवि, हमारे सहयोगी भरतपुर से जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि ये वीडियो भी सामने आया और साथ ही साथ क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट में लगेज भी रख दिया, उसके बाद रोक दिया गया, कहा कि फ्लाइट आपका जो टिकट है वो किसी और ने खरीद लिया। देखिए बिल्कुल, मेरा जो थी सांसद थी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए गुवाहाटी गई थी। उनको आज गुवाहाटी से दिल्ली आना था एक संसदीय कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए। जब उनको एयरपोर्ट पर उनका जो लगेज था वो फ्लाइट रख दिया गया, बोर्डिंग पास भी दे दिया गया, उसके बाद उनको रोका गया। उनके साथ साथ कई अन्य और यात्री भी थे, करीब 8 यात्री थे, उनको भी रोक दिया गया। सांसद के द्वारा उनसे पूछा गया कि मेरी सीट है जो है मेरे को क्यों रोका जा रहा है, तो उनको ये कहा गया कि आपकी जो सीट है वो दूसरे व्यक्ति ने खरीद ली है, इसलिए आपको दूसरी फ्लाइट से जाना पड़ेगा। जिसको लेकर सांसद रंजिता कोहली ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जी अभी शिकायत कोई दर्ज करवाई गई और उसके बाद जब एयरलाइन से बात की गई या जो स्टाफ था वहाँ उनसे बात की गई तो क्या कहना था उनका, ऑफिसर्स का? देखिए सांसद है रंजिता कोहली, उन्होंने जब वहां पर नाराजगी व्यक्त की तो जो एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनके दूसरी फ्लाइट से जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सांसद ने जो नाराजगी व्यक्त की है इस बात को लेकर की है कि उनकी फ्लाइट में टिकट बुक था, लगेज फ्लाइट में रख दिया गया, बोर्डिंग पास दे दिया गया, उसके बाद उनको क्यों रोका गया। बिल्कुल, और अभी आपको रोकना चाहेंगे, रंजिता कोहली सांसद खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजिता जी, ये कैसे ये पूरा मामला रहा पहले आप वो समझाएं। हेलो जी, रंजिता जी सुन पा रही हैं? जी नमस्कार मैडम। जी मैम नमस्ते, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है आपका मैम। जी आपके साथ जो ये घटना रही, क्या ये घटना रही है? मैं गुवाहाटी से दिल्ली जा रही थी जी, और मेरी फ्लाइट राइट टाइम पे थी, उसके बाद भी मेरा लगेज चले गया फ्लाइट में, उसके बाद चेक हो गया सब कुछ है, एंड मोमेंट पे मैं जब जाके पहुंची थी तो उन्होंने कह दिया आप लेट आए हुए, और उन्होंने सीटें किसी और को दे दी। जी मैम, लेकिन आप समय पर थे उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? मैं मैडम 9 की बैठी हुई थी वहाँ पर, और मैं ही नहीं मैडम, 4-5 जने थे वहाँ पर जो आपस में झगड़ा कर रहे, ओवर बुकिंग करके लोगों ने इस तरीके का किया। लेकिन जब आपका टिकट बुक है तो किसी और का टिकट बुक नहीं हो सकता? वो सेम डे था, जो ज्यादा पैसे दे रहा है उनको ये लोग टिकट देख रहे हैं वहाँ पर। अरे जी ऐसे में मैम आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है? नहीं, मैं बिल्कुल इनकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि मेरी भी मीटिंग है हम लोगों की, इस तरीके के करेंगे और आम जनता का क्या होगा। बिल्कुल मैम, और क्योंकि एक आपका पद है, आपकी एक रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट भी बनी रहनी चाहिए। आपसे जो प्रबंधन है क्या ऑफिसर्स हैं वो कुछ बात कर रहे हैं? एसएफ वाले वहाँ पर आए, पूरी टीम वहाँ पर आ गई थी, और उन्होंने खुद बोला है कि इस तरीके से गलत है मैडम जी ये सब। अभी अभी कोई जी अभी दूसरी फ्लाइट उपलब्ध करवाई जा रही है क्या कुछ है? नहीं नहीं अभी वो कह रहे हैं जी। आप अभी एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं? जी जी जी। अभी कुछ बातचीत हो पाई है और क्या कुछ आगे का प्रबंधन कर रहे हैं वो? नहीं, जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है बिल्कुल ही खराब है, बात करने के लिए तैयार नहीं। जब ये जनप्रतिनिधि के साथ ये लोग इस तरीके का कर सकते तो आम जनता के साथ क्या करेंगे ये लोग?
जी कोई शिकायत मैम आपने दर्ज करवाई है इसको लेकर, क्योंकि ये तो एक अपने आप में ही बड़ी बात हो जाती है कि टिकट आपके पास है और लीगली आपके पास टिकट है, उसके बावजूद किसी और को टिकट दे दी गई, आपकी सीट किसी और को दे दी जाती है। नहीं बिल्कुल, मैं इनकी शिकायत अगर जैसे मैंने देखा है वहाँ 6 जने लोगों को लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है ये इस तरह, और जी ठीक है। अभी आपका यहाँ से निकलने के लिए क्या व्यवस्था करवाई गई है मैम, क्योंकि आपकी बैठक भी है दिल्ली में? उसके बाद मेरा लगेज भी चले गया चेकिंग हो करके, और उसके बाद ही मैंने कर देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता जी, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप दूसरी फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रंजिता कोहली जो कि वहाँ पर गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी भी मौजूद हैं, और उनके साथ इस तरह की घटना होती है।